बाईपास और एंजियोप्लास्टी में बहुत सारे नुकसान होने की आवश्यकता है, रिकवरी रेट कम भी हो सकता है, जल्दी से एज फैक्टर भी काम करता है तो वहाँ पर जल्दी से रिकवरी नहीं आती है। बहुत से मरीज़ को बहुत सारी स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। इसी भी बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं और उसमें कुछ नहीं है, तो हार्ट के जो को आर्टरीज हैं जिस जगह पर ब्लॉकेज हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारी जो आर्टरीज हैं वो सारी आर्टरीज धीरे धीरे पंपिंग करके हम उसको एक्सपांड करते हैं, फुलाते हैं, तो लंग्स को जितने भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है वो पूरे मात्रा में पहुँचती है ब्लड के अंदर, तो ब्लड चैम्बर के बाद में फिर पूरे शरीर में अपने आप सर्कुलेट होगा, तो शरीर की जितनी नेचुरल प्रोसेस हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं जो ब्लॉकेज के माध्यम से कम हुई है उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं ECP के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, मैं सत्य प्रेम कामा भरतपुर राजस्थान से हूँ और मेरी उम्र 54 साल है। अभी 2015 में जनवरी में मेरे साथ में कुछ सिम्टम्स ऐसे हुए जिसमें मुझे शरीर में पसीने से आने लगे, हार्ट के आसपास में दर्द होने लगा, हाथों में दर्द होने लगा, तो डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। इसके बाद में फिर मुझे एडमिट करवा दिया गया और जो भी डायग्नोसिस हुआ उसमें ये आया था कि OM2 में मेम्ब्रेन बस्ट हो गई है और बाकी 3 आर्टरीज जो हैं LAC में, इसमें भी OM1 इत्यादि में 3 ब्लॉकेज और हैं जो करीब करीब 80% के आसपास के हैं। तो उस समय अनुसार जो भी डायग्नोसिस हुआ तो डिसीजन ये लिया गया है कि या तो ऑपरेशन होगा या फिर स्टेंडल है, तो OM2 में फिर उस समय स्टेंडल गया। इसके बाद फिर कुछ समय तक रेस्ट लिया और दूसरे डॉक्टरों से भी कंसल्ट करके राय मशवरा करी तो बाकी जो 3 आर्टरीज ब्लॉकेज थी उसमें भी उन सबकी राय ये थी कि 3 स्टेंट डलेंगे। हमने फिर सारी बातों को जांच करते हुए हमने स्टेंट नहीं डलाने का निर्णय लेके और फिर हम प्राकृतिक रूप से भोजन प्रसादी, योगासन प्राणायाम और वर्तमान समय में ये जो ECP और डिटॉक्सिकेशन की जो थियरी हैं उसको एडॉप्ट करने का मैंने विचार किया और मैंने बाकी सारी ट्रीटमेंट को पोस्टपोन करके फिर मैंने ट्रीटमेंट शुरू करी। तो 40 दिन की जो मेरी ट्रीटमेंट थी जिसमें 40 दिन की ECP ली है और डिटॉक्सिकेशन की जो केमिकल्स इत्यादि की जो होती हैं वो फॉलो किया है और डॉक्टर ने जो मुझे नेचुरल फूड्स और रूटीन लाइफस्टाइल के लिए जो मुझे रिकमेंड किया था उसके मैंने पूरी तरफ से फॉलो किया है। प्रातःकाल सुबह हल्का सा योगासन प्राणायाम और 15-20 मिनट का जो वॉक मुझे बताया गया तो ग्रेजुअली मैं उसको डे बाय डे इंक्रीज करते हुए और उसको मैं करता था। प्रतिदिन में जो खाना पीना और भोजन की जो व्यवस्था जैसे मुझे बताई गई थी मैंने ठीक वैसे ही फॉलो किया है, जिसमें 0 फैट की पूरी डाइट जो है और फल फ्रूट जूस समय समय पर ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है, फिर शाम को भी वॉक करना है। तो दोनों ट्रीटमेंट को कॉम्बिनेशन करते हुए 6-8 महीने के बाद में मैंने 2D इको कराया और TMT टेस्ट कराया था। TMT टेस्ट उसके चारों स्टेज में नेगेटिव आया और जब 2D इको कराया तो मेरे तीनों आर्टरीज जो पहले 80% ब्लॉकेज बता रहे थे वो सारी आर्टरीज बिल्कुल क्लीन हुई और बिल्कुल खुल गई हैं और जो हार्ट की जो पंपिंग बोलते हैं LVF पहले मेरे 40% 38% के आसपास थी जब मेरे अटैक हुआ था। इसके बाद में इस ट्रीटमेंट के बाद में मैंने जब 2D को इत्यादि कराया है तो 57% इंक्रीज़ हुआ था और बिल्कुल डॉक्टर कह रहे हैं कि बिल्कुल फिट हैं जैसे कि एथलेटिक्स का होता है। तो जब हम ये ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं डॉक्टर के अनुसार और जो भी डाइटिशियन फूड हमें रिकमेंड करते हैं उसको फॉलो करेंगे तो इस थेरापी से निश्चित रूप से लाभ मिलता है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मेरे मिलने वाले डॉक्टर्स हैं डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, तो उन्होंने पहले मुझे जब अटैक आया था तब इमीडिएटली उनको हमने कंसल्ट किया था तो
जब मेमोरी बस्ट हो गई है तो सबसे पहले तो वही थेरापी उनको ठीक लगी, तो मुझे वहाँ एडमिट करके स्टैंड दिलाया था। बाद में फिर जब पता चला कि 3 आर्टरीज और ब्लॉकेज हैं, तो मैंने कहा कि सर मुझे ये बार बार शरीर के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है, स्टैंड नहीं डलाना है, ना ऑपरेशन कराना है, और कोई चीज़ हम देखते हैं जिसमें हम प्राकृतिक रूप से ठीक हो सकें। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ECP थेरापी जो है उसको आप फॉलो करो, बाहर विदेश में भी चल रही है और भारत में भी कई जगह पर चलती हैं, तो अपने जयपुर में भी ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो 2-3 महीने के बाद में फिर हमने डिसाइड किया कि ये थेरापी हमें लेना है, ताकि उसमें मुझे विशेष रूप से अच्छा ये लगा कि जो नेचुरल लाइफस्टाइल है उसको जोड़ दिया गया है, जिसमें योगासन, प्राणायाम याद और भोजन प्रसादी की जो प्रणाली है वो बहुत अच्छी रूप से लगी, और उसको मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। तो अभी मुझे ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं पर डे कम से कम 5 किलोमीटर वॉक करता हूँ, और हल्की जॉगिंग 2 किलोमीटर करता हूँ, और 50-100 मीटर की वॉक रनिंग भी करता हूँ, ताकि मैं फिट रहता हूँ। और इस तरह से मैं अभी भी मैं ट्रेडमिल की तरह पूरी जो नेगेटिव मेरे रिजल्ट आया था उसको बरकरार रखने के लिए डेली में इस तरह से मैं अपने रूटीन फूड को और एक्सरसाइज को तो फॉलो करता रहता हूँ। तो अभी मैं बिल्कुल फिट महसूस करता हूँ। अभी 4 मंजिल भी चढ़नी हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, और मैं और ट्रैवलिंग भी खूब करता हूँ, लेकिन किसी प्रकार की थकावन या कोई परेशानी अभी महसूस नहीं होती है। तो मित्रों, ये रिवर्सल प्रोसेस जो है ये वास्तविक रूप से हो सकती है, हमें जैसे डॉक्टर बताते हैं उसकी ट्रीटमेंट लें, और प्राकृतिक रूप से जीवन शैली अपनाने की कोशिश करें, और जिनको अभी हार्ट अटैक नहीं हुआ है उनको भी ये प्राकृतिक रूप से जो जीवन शैली है उसको अपनाने से आगे भविष्य में इनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। माइंड और मैटर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हार्ट में ज़्यादा कोई रुकावट आती है तो सीधी असर इसकी बॉडी पर पड़ते हैं, जैसे पसीना आना, पेन होना, और मन में भी बेचैनी होना, सिर दर्द हो जाना, ये सिम्टम्स जब आते हैं तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि शरीर के साथ कुछ हुआ है, तो मन में असर होता है। ऐसे ही मन में हाइपरटेंशन, डिप्रेशन आदि कुछ भी होता है जो साइकोसोमेटिक चीज़ें हैं, उसकी सीधी इफेक्ट बॉडी पर भी पड़ती हैं। तो इस तरह से माइंड और मैटर है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो ध्यान प्रणाली है वो मन शांत होने लगता है तो शरीर के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अपने आप शांत होने लगते हैं, और सारी ग्लैंड्स हैं वो अपने आप शांत होते हुए जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो शरीर के भीतर प्रवेश करेगी जब मन हमारा बिल्कुल शांत होता है। तो जो ब्रह्मांडीय कॉस्मिक एनर्जी है शरीर में प्रवेश करने के बाद में वो अपने आप ही शरीर को ठीक करने में सहयोग करती हैं। इस रूप से मेडिटेशन बहुत आवश्यक अंग माना गया है और ट्रीटमेंट में बहुत लाभदायी होगा। वर्तमान समय में लोगों की जो जीवन शैली है उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है, कि थोड़ा सा सुबह जल्दी उठें और उठ के योगासन, प्राणायाम और ध्यान को जोड़ें। तो बहुत सी दिन भर में जो भी कोई एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें स्ट्रेस कम रहेगा। जो व्यक्ति सुबह योगासन, प्राणायाम और ध्यान नहीं करते हैं और सीधा ही काम पर लगते हैं तो उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा मात्रा में कंजम होती है, तो शाम तक होते होते इतने स्ट्रेसनेस महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं, तो शरीर और मन को दोनों के ऊपर प्रभावित करती हैं। दूसरा एक साथ में ये कि हमारी जो भोजन प्रणाली वर्तमान समय में है उसमें भी बहुत बदलाव की आवश्यकता है। हम गरिष्ठ भोजन खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं और जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, ऐसी चीज़ों को हमने जीवन शैली में अपना लिया है वो बहुत नुकसानदायक हैं। तो कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें जहाँ तक हो सके नहीं खाएं। और आजकल बहुत सारी भोजन प्रणाली जो है जीरो फैट से बन सकती हैं, बिना तेल, बिना मिर्च मसाले की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसमें टेस्ट भी आता है, जो यहाँ पर डॉक्टर्स लोग ट्रीटमेंट में देते भी हैं। तो ऐसी जीव भोजन शैली को हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। और साथ में सुबह शाम वॉक करना बहुत आवश्यक है। जिनको हार्ट डिजीज नहीं हुआ है उनको भी नित्य प्रतिदिन कम से कम 2-3 किलोमीटर तो चलना ही चाहिए, कम से कम।
हमारी पहले की जो जीवन शैली थी उसमें बहुत से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदल यात्रा करते थे, और अभी हमने छोटे मोटे हर कोई काम में, पड़ोस में दुकान में भी कोई सामान लेने जाना तो मोटरसाइकिल या कोई साधनों का उपयोग करते हैं। तो हमने अपनी बॉडी की एक्सरसाइज हमने बहुत कम कर दी है, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि नज़दीक जाना हो तो वॉकिंग करें, तो इस रूप में भी दिन में 5-7 किलोमीटर वॉक हो सकता है। तो समय निकाल के अपने शरीर का ध्यान रखेंगे और भोजन का भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे कोई डिजीज होगा भी नहीं। तो कोशिश करेंगे कि हम प्राकृतिक रूप से जीवन जीना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद।